औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 10th, सब्जेक्ट फिज़िक्स। टुडे वी विल सॉल्व यूनिट नंबर 13 इंस्टेड ऑफ यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 वी विल सॉल्व इन स्कूल। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 नेम इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगर हम मीनिंग लें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि साकन हालत में जो बरकी चीज़ें उनके बारे में जो नॉलेज है वो सारा हम जिस पे पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देन द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दिस इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक आर अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये दो चीज़ें इसमें आ जाती है हमारे पास, दोनों नेम एक ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी उसी को बोलते हैं और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलती है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, वर्डिंग मीनिंग ले तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है जो बर्क पोशीदा आलात होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम बर्क बोलते हैं, या इसको दूसरी तरह बोल सकते हैं आर कास्ड बाई द इलेक्ट्रिसिटी, कि वो जिनकी वजह से मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है या फ्लो की जा सकती है, कुछ भी उसके बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग। तो स्टैटिक का मतलब होता है साकन हुआ, मतलब स्टैंड कोई चीज़ जो है वो खड़ी है एक जगह पे रेस्ट की हालत में है तो उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। तो बाय वर्डिंग मीनिंग फिर हमारे डेफिनेशन का जो मतलब बना कि जो चार्जेस होते हैं उनको उनकी रेस्ट हालत में जो हमारे पास स्टडी होगी वो हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। तो इसके बारे में हमारे पास मज़ीद जो है ये सारी चीज़ें जो हमारे पास इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, स्टैटिक चार्जेस उसके बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सो ऑन दीजा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन के बाद क्वेश्चन ये राइज होता है प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो हेयर इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोस्टैटिक आर अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कि हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी एग्जांपल जो कॉमन आजकल हमारे पास जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसको एक जादू के तौर पे लेते हैं, एक मैजिक के तौर पे लेते हैं। तो वो क्या एग्जांपल है कि जब आप देखते हो कि जो बच्चे होते हैं वो कंघी करते हैं सर पे, कंघी करने के बाद जो है वो करने के बाद उसको जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके पास लेके आते हैं। तो जब वो उनके पास लेके आते हैं तो वो उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जो कॉम्ब होता है वो पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये ड्यू टू फ्रिक्शन उसके ऊपर बॉडीज़ के ऊपर चार्जेस अवेल होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी सिंपल। तो इसी तरह की हम दूसरी एग्जांपल्स के ज़रिए हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कोई चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है या कैसे कोई चार्ज कौन सा चार्ज कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसीलिए। ओके, नो अगेन आई एम रिपीटिंग द एग्जाम्पल। इफ़ वी रन अ प्लास्टिक कॉम थ्रू अवर हेयर एंड देन ब्रिंग इट नियर स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, द कॉम अट्रैक्ट्स देम। सिमिलरली द एम्बर व्हेन रब्ड विद अ सिल्क अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द सब्सटेंस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल चार्जेस दे अक्वायर ड्यूरिंग रबिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी। तो इसी तरह हम कोई भी न्यूट्रल बॉडीज़ के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, रबिंग के थ्रू उसके ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे वो सिर्फ दो टाइप्स के होंगे, एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस, और या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। टेक अनदर एग्जाम्पल। सो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके ज़रिए हम इसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं प्लास्टिक रॉड। सो लेट्स फॉर सबसे पहले हमने क्या किया, एक रॉड लिया, ठीक है, उसको सिल्क थ्रेड के साथ हमने बांध दिया। तो इन दोनों एक रॉड को हमने क्या किया, किसी फर के साथ इसको क्या किया, हमने रब किया। तो जब हमने इसको फर के साथ रब किया तो इसके ऊपर एक नेगेटिवली चार्ज अपीयर्ड थे।
तो जैसे ही हमने कोई दूसरा रॉड जो सिंपल था उसको इसके करीब लेके आए, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे? क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्जेस अपीयर है ड्यू टू रबिंग, और इसके ऊपर भी क्या हमारे पास है, चार्ज पहले से मौजूद है, और वो कौन सा है, नेगेटिव है। तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को, दोनों जो ये रॉड हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। टू प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विद आफार रिपेल ईच अदर बिकॉज बोथ हैव द सेम चार्जेस। ठीक है, रब इट विद आफार एंड सस्पेंडेड इट हॉरिजॉन्टल बाई अ सिल्क थ्रेड। नाउ टेक अनदर प्लास्टिक रॉड, रब इट विद फर एंड ब्रिंग डियर टू द सस्पेंडेड रॉड। वी विल ऑब्जर्व दैट द बोथ द रॉड्स विल रिपेल ईच अदर। इट मीन्स ड्यूरिंग द रबिंग बोथ द रॉड वर चार्ज। इससे पता चला है हमें कि ये दोनों चीज़ों को जब हमने सेम चीज़ के साथ रब किया, ठीक है, तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज हमारे पास अपीयर हो गया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस रिपल्शन की वजह से हमें एक और चीज़ पता चली कि जो हमारे पास सेम चार्जेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, वी हैव अनदर एग्जाम्पल। नो टेक अ ग्लास रॉड एंड रब इट विद अ सिल्क सस्पेंडेड इट हॉरिजॉन्टल। व्हेन वी ब्रिंग द प्लास्टिक रॉड रब विद अ फर नियर टू द सस्पेंडेड ग्लास रॉड, वी ऑब्जर्व दैट द बोथ रॉड अट्रैक्ट ईच अदर। हियर दैट वन इज़ अ प्लास्टिक रॉड एंड दैट वन इज़ अ ग्लास रॉड एंड दैट इज़ अ सिल्क थ्रेड। एंड दैट इज़ अ स्पोर्टेड एंड दीज आर द बोथ विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। सो प्लास्टिक रॉड रब विद अ फर एंड ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज द बोथ हैव अ ऑपोजिट चार्जेस। तो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि जब हम किसी दो चीज़ों को, हम अगर दो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें उनको हम डिफरेंट थिंग्स के साथ जब रब करते हैं तो उनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस हो जाते हैं। अगर तो वो एक पे हमने ग्लास रोड था उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्जर ले लिया फर्क की वजह से, और दूसरे पे प्लास्टिक रोड था उसको हमने किया तो वो सिल्क के साथ किया था तो वो हमारे पास डिफरेंट चार्ज आ गया। तो इसकी वजह से जब ये डिफरेंट चार्जेस होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे ये भी पता चला कि अगर हम डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट थिंग्स के साथ रब करेंगे तो उनके ऊपर अपोजिट चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, नो नो ए फर्स्ट एक्टिविटी बोथ आर द प्लास्टिक एंड बोथ ऑफ देम हैव बीन रब्ड विद अ फर। देयर फोर वी एज्यूम दैट द चार्ज ऑन अ बोथ रॉड्स वुड बी ऑफ द सेम काइंड। इन द सेकेंड एक्टिविटी द रॉड्स आर अनलाइक एंड देयर अट्रैक्शन इम्प्लाइज दैट चार्जेस ऑन टू रॉड्स आर नॉट ऑफ द सेम काइंड बट ऑफ अ अपोजिट नेचर। सो पहले जो रॉड था वो, उसको हमने दोनों को एक ही तरह के रॉड थे और उनको एक ही चीज़ से हमने रब किया था तो तब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कुछ आई थी, और अब हमने इसको दूसरे तरह से किया तो हमारे पास कहेगी इसकी प्रॉपर्टीज़ दूसरी आ गई। सो दीज पॉजिटिव चार्जेस आर कन्वेंशली कॉल्ड अ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। सो ये हमारा टॉपिक था। इस तरह से हमने डिस्कस किया कि कैसे चार्ज क्रिएट किया जा सकता है और कैसे हमें पता चलेगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस है या नेगेटिव चार्जेस, या आपस में रिपल कैसे करते हैं और अट्रैक्ट कैसे करते हैं। सो आई होप यू गेट दैट।